अस्सलामुअलैकुम। 9th क्लास, हाउ आर यू? फाइन। आपको पता है हम तले पाकिस्तान पढ़ रहे थे, हमारा यूनिट नंबर जो है वो 1 कम्प्लीट हो चुका था, हम यूनिट नंबर 2 पढ़ रहे थे, ठीक है। उसका हमने जो है वो तकरीबन जो है 4 to 5 पेजेस पढ़ लिए थे, ठीक है। आज जो हमने पढ़ना है वो है हमारा यूनिट नंबर 2, तहरीक पाकिस्तान और पाकिस्तान का क्याम, एंड चैप्टर वी आर स्टडिंग पेज नंबर 26, ठीक है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है शिमला कॉन्फ्रेंस और इंतखाबात, ठीक है। जब 1945 में बरतानिया को इस बात का यकीन हो गया कि वो जंग में फतह हासिल कर लेंगे, तो वायसराय लॉर्ड व्यू ने ऐलान किया कि वायसराय के इंतजामी कौंसिल में तमाम तर हिंदुस्तानी अरकान शामिल होंगे। इसमें तमाम तर सियासी जमातों की आबादी की नासबत से नुमाइंदगी मिलेगी, यानी मुसलमान और हिंदुओं की तादाद बराबर होगी। जैसे 45 में तजावीज़ पर गौर करने के लिए शिमला के मकाम पर कॉन्फ्रेंस का इनका हुआ। कॉन्फ्रेंस में 5 मुस्लिम अरकान शामिल करने की तजवीज़ थी, जबकि कांग्रेस का मतलब था कि वह एक मुस्लिम नामजद नुमाइंदा नामजद करेगी। कासिम का कहना था कि 5 मुसलमान अरकान का मुस्लिम लीग की नामजद करें, क्योंकि मुसलमान के नुमाइंदा जमात मुस्लिम लीग ही है। इस नुक्ता पर शिमला कॉन्फ्रेंस नाकाम हुई। जब शिमला कॉन्फ्रेंस में इस बात का फैसला ना हो सका कि मुस्लिम लीग मुसलमानों की वादा नुमाइंदा जमात है, तो इस बात का फैसला 1947 और 1940 के इंतखाबात में हुआ। मुस्लिम लीग ने ज़बरदस्त कामयाबी हासिल कर मुसलमानों के लिए मखसूस नशस्तों पर मुकम्मल कामयाबी हासिल करके मुसलमानों की वाहद नुमाइंदा जमात बनकर सामने आई। कहते हैं, आप क्या जानते हैं, शिमला भारत की रियासत हिमाचल प्रदेश का एक तफरीही मकाम है। कहते हैं शिमला कॉन्फ्रेंस में हुआ क्या था, ठीक है। जब उन्हें ये एहसास हो गया कि जो फतह जो है वो ज़रूर जो है वो बरतानिया की होगी, तो ठीक है, उन्होंने जो है एक कॉन्फ्रेंस बुलाई, ठीक है। उसमें उन्होंने कहा कि ठीक है, इन्होंने जो है असम्बली की जब तैयारी करी, तो उन्होंने कहा कि तमाम अरकान को जो है बराबर जो है वो जो है राइट्स मिलेंगे, ठीक है। उतने ही अरकान जो है वो हिंदुओं के होंगे और उतने ही मुसलमानों के होंगे, ठीक है। कहते हैं इस बात पर मशावरत करने के लिए 1945 में जो है वो एक इजलास बुलाया गया, ठीक है। मुसलमानों का ये मुतालबा था कि 5 अरकान जो है मुस्लिम लीग के जो है मुस्लिम लीग ही जो मुसलमानों के जो नामजद करेगी, लेकिन हिंदू जो थे वो कहते थे कि एक नुमाइंदा जो है वो ये जो है वो मानेंगे, ठीक है। लेकिन वो कहते हैं इस नुक्ता पर जो है शिमला कॉन्फ्रेंस नाकाम होगी, ठीक है। जब शिमला कॉन्फ्रेंस में इस बात का फैसला ना हो सका, तो कहते हैं मुस्लिम लीग मुसलमानों की वादा वाहद नुमाइंदा जमात है, तो इस बात का फैसला 1945 और 1940 के इंतखाबात में हुआ। मुस्लिम लीग ने ज़बरदस्त कामयाबी हासिल की और मुसलमानों की मखसूस रिश्तों पर मुकम्मल हासिल करने के लिए जब मुसलमानों जो है जब ये जीत गए, ठीक है, तमाम सीट मुसलमानों को मिल गई, तो कहते हैं इसके बाद क्या हुआ कि मुसलमान जो है वो वाहद नुमाइंदा जमात जो है वो बनकर सामने आई। आगे है कबीना मिशन प्लान 1946, ठीक है, कैबिनेट मिशन प्लान 1946। 1945 में अंग्रेज़ों इंग्लिस्तान में लिबर्टी पार्टी की हुकूमत आई। बरतानवी हुकूमत ने हिंदुस्तान में बढ़ती हुई सियासी बेचैनी के पेश नज़र कबीना मिशन भेजा, जो कि 3 अरकान पर मुश्तमिल था। इस मिशन के दो मकसद थे, एक हिंदुस्तान के दसूरी हिस्से तो हुकूमत की शक्ल वाजा कर दी जाए, दूसरा मुसलमानों हिंदुओं में तफ्तों के खलीज काम करके हिंदुस्तान को मुतहद करने की कोशिश की जाए, लेकिन इंतखाबात ने साबित कर दिया कि ऐसा नहीं हो सकता। कबीना मिशन की अरकान ने तमाम सियासी जमातों के रहनुमाओं से मुलाकात की, मगर किसी नतीजे पर ना पहुँच सके। 16 मई 1946 को इन अरकान ने एक मनसूबे का ऐलान किया, जिसके नुमाया पहले मिर्जा है बरसगीन में यूनियन कायम की जाए, जो उमूर खारजा दफा और मसलूआत की जिम्मेदार होगी। मरकजी मुल्क के अलावा बाकी तमाम अख्तियार सूबों को दिए जाएंगे। सूबों का अख्तियार होगा कि वह बाहम ग्रुप बना लें, हर ग्रुप अपना दस्तूर मुतरत करें। 10 साल के बाद सूबों का अख्तियार होगा कि वह कसरत राय से आइन में तब्दीली का मुतालबा कर सकें। कहते हैं उसके बाद क्या हुआ, योम राष्ट्र इकदाम मनाया, यानी कि डायरेक्ट एक्शन डे मनाया गया। इसके क्यों मनाया, कहते हैं इसका क्या मकसद है, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। कहते हैं 16 अगस्त, ठीक है, 1946 को मुस्लिम लीग ने अवामी सतह पर योम रियासत इकदाम मनाने का फैसला किया, क्योंकि हिंदू अंग्रेज़ों के बाद बरसगीर पर हुकूमत का ख्वाब देख रहे थे। इस रोज़ बरसगीर में जगह जगह जलसे किए गए, जिसमें कांग्रेस के अजायम को बेनकाब किया गया। नेक्स्ट पेज करें, पेज नंबर है हमारा 28, अबूरी हुकूमत का क्याम, ठीक है। ये एक फर्जी हुकूमत बनाई गई थी, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। अबूरी हुकूमत का क्याम, सितंबर 1946 में वायसराय ने कांग्रेस को अबूरी हुकूमत कायम करने को कहा। इन हालात में मुस्लिम लीग ने मैदान खाली छोड़ने की बजाय अबूरी हुकूमत में शामिल होने का इरादा किया, और अबूरी हुकूमत के लिए 5 मुस्लिम लीग अरकान नामजद किए गए, जिनमें लियाकत अली खान, आई चंद रेगर, सरदार अब्दुल रब नश्तर, अब्दुल गजनफर अली और अकलीती रुकन जोगंदर नाथ मंडार शामिल थे। अबूरी हुकूमत कांग्रेस और मुस्लिम लीग के इख्तलाफात की वजह से मौसम अंदाज में काम ना कर पाई। इन हालात में मुस्लिम लीग का दो कमी नजर की बुनियाद पर अलग बदल का मुतालबा जोर पकड़ता गया।
वज़ीर आज़म बरतानिया ने 20 फरवरी 1947 को ऐलान किया कि हुकूमत जून 1948 तक अकदार मुख्तलिफ नुमाइंदों के हवाले कर देगी। इस तरह पाकिस्तान का क्याम करीब से करीब तक चला होता गया। 3 जून 1947 का मनसूबा, 3 जून 1947 को बरसीर की तकसीम का ऐलान किया गया, जिसके रूस से यह बात का फैसला किया गया कि 14 अगस्त 1947 तक अकदार हिंदुस्तान के नुमाइंदों के हवाले कर दिया जाएगा। 3 जून 1947 के मनसूबे में एक शिक यानी कि एक पार्ट था कि पंजाब और बंगाल के असम्बलियों के हिंदू और मुस्लिम अरकान के अलग अलग इजलास होंगे। ये भी फैसला किया गया कि इन सूबों को तकसीम कर दिया जाएगा और सूबों की हदबंदी के लिए कमीशन करेंगे। सिंध असम्बली किसरत राय से सूबे के मुस्तकबिल का फैसला करेगी। सूबा सरहद और सलहट के अवाम पाकिस्तान या भारत में शमूलियत का फैसला सूबे राय के जरिए करेगी, जबकि बलोचिस्तान का फैसला शाह जरिए करेगा। सिंध असम्बली ने पाकिस्तान में शामिल होने का फैसला किया। कानून आज़ादी हिंद 1947 यानी कि इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 3 जुलाई मनसूबे का अमलजामा बनाने के लिए बरतानवी पार्लियामेंट ने 18 जुलाई 1947 को कानून आज़ादी हिंद मंजूर किया। हिंदुस्तान को 2 रियासतों पाकिस्तान और भारत में तकसीम कर दिया गया। आगे है रेड कलफ अवार्ड, ठीक है, ये क्या था, उसने जो है जैसे डिवीज़न की थी उसके बारे में हम पढ़ते हैं। कैसे डिवीज़न हुई थी बरसगीर की, पंजाब और बंगाल के इलाकों की तकसीम का फैसला होने लगा तो बरतानवी हुकूमत ने सर रेड कलफ के सरबराही में एक हदबंदी कमीशन कायम किया, जिसमें पंजाब की हदबंदी के लिए पाकिस्तान की तरफ से जस्टिस मनीर, जस्टिस दीन मोहम्मद, जबकि भारत के नुमाइंदा जस्टिस महरचंद महाजन और जस्टिस तेजा सिंह थे। ये सब हजरात हाईकोर्ट के जज थे। बंगाल की हदबंदी के लिए पाकिस्तान की तरफ से जस्टिस अबू सालेह मोहम्मद अकरम, एस ए रहमान, जबकि भारत की तरफ से एस सी बवास और बे के मुखर्जी थे। तकसीम के वक्त वासराय और उनके अमले ने कांग्रेस के गठजोड़ की हद जोट करके हदबंदी का फैसला किया और रेड कलफ को दस्तखत करने वाला मिशन के तौर पर तकसीम इस्तेमाल किया। तकसीम में रेड कलफ ने मशरकी बंगाल पाकिस्तान के मुस्लिम अक्षेत्र के कई इलाके भारत में शामिल करके एक तरफ पाकिस्तान को सतलुज ब्यास और रावी के पानी से महरूम कर दिया, जबकि दूसरी जानब भारत के सरहद को कश्मीर के साथ मिला दिया। गुरदासपुर के रास्ते भारत ने कश्मीर पर कब्जा कर लिया। इस तरह कश्मीर का मसला पैदा हो गया जो आज तक हल नहीं हो सका। रेड कलफ की नाकस मनसूबाबंदी के बाइस पाकिस्तान को कई साल से दो चार होना पड़ा। सुबह आज़ादी, डॉन ऑफ फ्रीडम, यानी कि सुबह यानी कि मुसलमानों को आज़ादी कब मिली। आज़ादी का तस्वर कौमों की ज़िंदगी में बड़ी अहमियत रखता है। 14 अगस्त 1947 रमज़ान को पाकिस्तान दुनिया के नक्शे पर उभरा। कदम पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल थे, ठीक है। यहाँ तक हमने पाकिस्तान बनने का पूरा प्रोसेस स्टडी कर लिया है। आगे हम पढ़ेंगे कि पाकिस्तान को इस्टेब्लिश करने में किस किस का हाथ था, ठीक है, कायज़म का क्या रोल था, इसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़। 9th क्लास।